हाल ही में खत्म हुआ आईपीएल 15 आईपीएल के सबसे खास सीजन में से एक था, जहां एक तरफ इसमें 8 से 10 टीम्स हो गई थी, वहीं दो साल कोविड की वजह से जहां स्टेडियम्स में दर्शक नहीं थे, इस साल दर्शकों की वापसी भी हुई। इस साल का फाइनल भी दो ऐसी टीम्स के बीच हुआ जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि सीजन की चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस की टीम जहां कागज पर कमजोर दिखाई दे रही थी, वहीं जब वो मैदान पर उतरे तो एक यूनिट की तरह खेले और आईपीएल 15 जो इनका डेब्यू सीजन भी था उसमें चैंपियन बनकर उभरे। वैसे तो इस कामयाबी का श्रेय पूरी टीम को जाता है क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, पर इस टीम गेम में भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस काफी जरूरी होती हैं और गुजरात के लिए ये इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस अलग अलग समय पर अलग अलग खिलाड़ियों ने दी हैं। लोग कभी राशिद तो कभी हार्दिक तो कभी राहुल तेवतिया की बात करते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि सीजन उनके मिडल ऑर्डर की सबसे बड़ी ताकत रहे डेविड मिलर। डेविड मिलर ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को फाइनल्स में जिता लेने तक लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहे। आज हम डेविड मिलर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेविड मिलर के पिछले कुछ आईपीएल सीजन्स बहुत ही बेकार गए थे और लोगों को लगने लगा था कि इनका आईपीएल करियर खत्म हो चुका है, पर इस साल उन्होंने अपने बैट से ऐसे सारे आलोचकों को जवाब दिया है। आईपीएल 15 डेविड मिलर के लिए एक रिडेम्पशन सीजन साबित हुआ और इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है, और आज के इस वीडियो में हम उनकी उसी मेहनत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे साउथ अफ्रीका में जन्मे डेविड मिलर आज गुजरात टाइटंस के फैंस के फेवरेट प्लेयर बन चुके हैं। तो डेविड मिलर का जन्म 10 जून 1989 को नैटल प्रोविंस साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनके पिता का नाम एंड्रयू मिलर है जो अपने समय में खुद क्लब लेवल क्रिकेटर हुआ करते थे। डेविड को यूं तो बचपन से ही क्रिकेट का काफी शौक था और उनके पास उनके पिता का पूरा सपोर्ट भी था, और वो डेविड को केवल क्रिकेट नहीं बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी प्रेरित करते रहते थे। उनका मानना था कि डेविड को स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, फिर चाहे जरूरी नहीं कि वो सिर्फ क्रिकेट ही हो। उन्होंने डेविड को क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश जैसे खेल खेलने की सलाह दी, पर डेविड को बचपन से ही क्रिकेट ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया था और वो इसी कारण काफी कम उम्र से क्रिकेट खेलने लगे थे। उनके पिता क्रिकेट खेल चुके थे इसलिए बचपन में उनको जब भी किसी सलाह की जरूरत होती थी तो वो अपने पिता से पूछ लेते थे, और इसीलिए वो कम उम्र से ही क्रिकेट की बारीकियां सीख और समझ रहे थे। जूनियर लेवल पर सालों तक क्रिकेट खेलने के बाद और कड़ी मेहनत करने के बाद उनको 2007 के फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीजन में सुपर स्पोर्ट सीरीज के फाइनल गेम में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने डॉल्फिन्स की तरफ से अपना डेब्यू गेम खेला और अपने डेब्यू गेम में ही उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा दी, जो दर्शाता था कि डेविड कितने काबिल बल्लेबाज हैं। इसके बाद MTN डोमेस्टिक चैंपियनशिप में मिलर ने 8 मैचेस खेले, पर यहां पर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। मिलर पूरे कॉम्पिटिशन में सिर्फ 13 के एवरेज से रन बना सके, जो उनके टैलेंट के हिसाब से बहुत कम था। इसके बाद उन्होंने वापस से मेहनत करनी शुरू करी और अगले कुछ महीने खूब पसीना बहाया, और इसी मेहनत की वजह से वो किसी तरह से साउथ अफ्रीका ए टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश ए के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें वो सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने थे, और यही वो टूर्नामेंट भी था जब वो पहली बार सेलेक्टर्स की नजर में आए। इसके बाद उनको जल्दी ही सीनियर साउथ अफ्रीकन टीम में भी शामिल कर लिया गया। 20 मई 2010 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको अपना T20 डेब्यू करने का मौका मिला। उनको जैक कैलिस के इंजर्ड होने के बाद टीम में जगह मिली थी। हमेशा अग्रेसिव अप्रोच रखने वाले मिलर ने अपने डेब्यू मैच की छठी बॉल पर छक्का लगाया था, और उस मैच में उन्होंने 26 गेंदों में 33 रन की पारी खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच के 2 दिन बाद ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको अपना ODI डेब्यू करने का भी मौका मिला। इसमें उन्होंने 23 रन बनाए और एक बार फिर से अपनी टीम को जीत दिलाई। हालांकि 2011 वर्ल्ड कप की साउथ अफ्रीका टीम में वो जगह नहीं बना सके, और इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। इसी दौरान 2011 IPL में दिमित्री मैस्करनास के रिप्लेसमेंट के रूप में किंग्स 11 पंजाब ने उनको $1,00,000 की रकम के साथ अपनी टीम में शामिल किया, पर इस सीजन में उनको कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया। धीरे धीरे जहां वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर होते जा रहे थे, वहीं IPL 2012 में उनको कुछ मैचेस भी खेलने को मिले, पर वो तब भी उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं कर सके जैसे कि सब उनसे उम्मीद कर रहे थे। किंग्स 11 पंजाब ने उनका टैलेंट देख लिया था, और 2013 में किंग्स 11 पंजाब ने एक बार फिर से डेविड मिलर पर दाव खेला और उनको 6 करोड़ की बड़ी रकम देकर अपनी टीम में लिया। इस साल डेविड मिलर को लगातार खेलने का भी मौका मिला, जिसका उन्होंने बखूबी फायदा भी उठाया, और 2013 के सीजन में उन्होंने अपनी पहली IPL सेंचुरी बनाई जो सिर्फ 38 बॉल्स में आई थी। ये IPL की 3rd हाईएस्ट सेंचुरी भी थी। इस पूरे सीजन में उन्होंने 12 मैचेस में 418 रन बनाए और पंजाब टीम के भरोसे पर खड़े उतरे। अगले सीजन में एक बार फिर से डेविड मिलर का जलवा बरकरार रहा और उन्होंने 16 मैचेस में 446 रन बनाए। इसी बीच वो साउथ अफ्रीकन T20 और ODI टीम के मिडल ऑर्डर के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर भी बन चुके थे।
हालांकि ओडीआई में पहली सेंचुरी के लिए उनको काफी इंतजार करना पड़ा और वो आई साल 2015 में, और यहां से उनकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर होती चली गई। 2011 की वर्ल्ड कप टीम में जगह ना बनाने वाले डेविड मिलर 2015 वर्ल्ड कप में टीम के लिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे। उन्होंने 65 के शानदार एवरेज और 139 के स्ट्राइक रेट से 324 रन बनाए। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत ही 92 बॉल्स में 138 रन की शानदार पारी खेलकर करी थी। इसके अलावा इसी टूर्नामेंट में 5वें विकेट के लिए उन्होंने जेपी डुमिनी के साथ मिलकर 256 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी करी थी। डेविड मिलर ने इस टूर्नामेंट में पूरी जान झोंक दी। सेमीफाइनल्स में उन्होंने 18 बॉल्स में 49 रन की शानदार पारी भी खेली, पर तब भी बदकिस्मती से वो अपनी टीम को फाइनल्स तक नहीं ले जा सके। 2017 में डेविड मिलर ने 35 बॉल्स में सेंचुरी लगाकर T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा भी किया। इसके बाद से ही वो साउथ अफ्रीका के रेगुलर प्लेयर रहे हैं। उनके प्रदर्शन के चलते उनको 2021 की ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किया गया। जहां एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर मिलर छाए हुए थे, वहीं इस दौर में IPL में उनका प्रदर्शन ज्यादा खास नहीं था। 2016 से 2021 तक उनका IPL का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। लोगों को लगने लगा कि अब किलर मिलर का IPL करियर खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं था। डेविड मिलर भी सोचने पर मजबूर हो गए कि वो आखिर ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो उनको रन बनाने से रोक रही है। कुछ इसी तरह की सोच के साथ उन्होंने मेहनत जारी रखी और खुद के खेल में सुधार करा, क्योंकि उनको खुद के ऊपर पूरा भरोसा था। खुद के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है और डेविड मिलर के पास ये ताकत बखूबी है। 2022 में जब IPL ऑक्शन हुआ तो शुरू में किसी भी टीम ने इन्हें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर बाद में गुजरात टाइटन्स ने डेविड मिलर पर दाव खेला और उनको लगातार बैक किया, जिसको डेविड मिलर ने 16 मैचेस में 481 रन बनाकर चुकाया। और उनके इस प्रदर्शन की वजह से गुजरात टाइटन्स अपने डेब्यू सीजन में ही IPL खिताब जीत सकी। यही डेविड मिलर के IPL करियर का बेस्ट सीजन भी रहा। IPL के अलावा वो PSL, लंका प्रीमियर लीग, T20 ब्लास्ट जैसी T20 लीग्स में भी खेलते हैं, और हर जगह उनकी अप्रोच वही रहती है कि किसी तरह से अपनी टीम को मैच जिताया जाए, जो उनको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाती है। जहां एक समय लोग उनके करियर को खत्म बता रहे थे, वहीं अब लोग उनको साउथ अफ्रीकन टीम की बेस्ट होप बताने लगे हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है उनकी मेहनत की वजह से। तो अगर आप मेहनत करने का दम रखते हैं तो आप वक्त भी बदल सकते हैं, और ऐसा ही कुछ किया डेविड मिलर ने। तो दोस्तों, यही थी कहानी डेविड मिलर की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।